दिल्ली से लेकर देहरादून तक क्या हलचल है। पहले सबसे पहले दिल्ली में चलते हैं। अविनाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। अविनाश, दिल्ली में तीरथ सिंह रावत कल और आज का उन्होंने क्या क्या किया, उनकी क्या दिनचर्या रही दिल्ली में, किससे मुलाकात की, जल्दी से बताएं अविनाश। देखिए रोहित, अगर बात करें तो कल लगभग 1:30 बजे वो दिल्ली में उत्तराखंड सदन पे पहुंचे और उसके बाद अगर बात करें तो 4:30 बजे तक उत्तराखंड सदन में रहे। उसके बाद 4:30 बजे वो कावेरी स्थित अपने जो सांसद फ्लैट है उसमें पहुंचे और तब से उसी में है। हालांकि देर रात वो 11:30 बजे जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से उनको फोन आया, उसके बाद वो मिलने के लिए जरूर पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, और 1:30 बजे रात को फिर अपने कावेरी स्थित अपार्टमेंट में जो घर है वहां पर वो आ गए और तब से लेकर अब तक वो वहीं पर मौजूद है। रोहित, एक चीज मैं और बता दूं, मैं पिछले 7 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहा हूं और कई मुख्यमंत्रियों को मैंने देखे, पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री मैं देख रहा हूं जो पिछले 24 घंटे होने को आ रहे हैं अपने घर के अंदर मौजूद हैं और किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। यानी कि जितने भी लोग उनसे मिलने के लिए आए बहुत ही चुनिंदा लोगों से उन्होंने मुलाकात की। दिन भर में अगर आज बात करें तो जो दो उनके सहयोगी आए हैं, खासतौर से जो दो IAS अधिकारी उनके साथ आए हैं वो तो मौजूद रहे, इसके अलावा जो मिलने वाले आए उनमें से केवल 2 से 3 लोगों से उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा वो किसी से मुलाकात कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी के आलाकमान की तरफ से उनको क्या आदेश दिया जाता है, क्या आगे करना है और किस तरीके से आगे चलना है, उसी के इंतजार में वो बैठे। जबकि इससे पहले वो 3 बार दिल्ली आ चुके हैं और उन्हें इतने दिल खोल कर लोगों से मुलाकात की है, चाहे वो केंद्रीय मंत्रियों के साथ हो, चाहे पत्रकारों के साथ हो, चाहे उनसे मिलने। अविनाश, तो आपने बता दिया कि वो इंतजार कर रहे हैं अगले आदेश का, यानी वेट एंड वॉच। अजीत सिंह राठी हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े। अजीत, क्या कहना है आपका, दिल्ली में वेट एंड वॉच की स्थिति है, लेकिन बड़ा सवाल यह है, हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि साहब तस्वीर अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व साफ कर दे, चुनाव आयोग को कराना, वो ये बता दे किस सीट से उपचुनाव लड़ेंगे तो शायद, लेकिन चर्चाएं और अटकलें तेज हैं, क्या कहना है आपका अजीत? रोहित, देखिए बिल्कुल आपने सही बात कही है और जिस तरह से 2 दिन से मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं तो यहाँ पर एक इंतजार हो रहा है देहरादून को, यहाँ पर एक इंतजार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, यहाँ एक इंतजार हो रहा है उत्तराखंड की जनता को कि दिल्ली से क्या मार्गदर्शन मिलने वाला है, और सभी लोग इसी बात के इंतजार में हैं कि मुख्यमंत्री आखिर वहाँ 2 दिन से हैं तो शेड्यूल क्या है। अनशेड्यूल वो मुख्यमंत्री का 2 दिन तक वहाँ रहना लोगों को चिंता में डाल रहा है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच एक बेचैनी बढ़ती जा रही है। भाजपा नेता लगातार मीडिया से संपर्क कर रहे हैं कि आपको अगर कोई खबर हो दिल्ली में क्या हो रहा है तो हमें बताइए। लोग यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो लगातार फ़ोन कर रहे हैं सभी को, जितने भी मीडिया जगत के लोग हैं सबसे संपर्क करे हुए हैं सभी लोग, और भाजपा में ज़्यादा बेचैनी हुई है इससे लेकर के कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का भी अपना वहाँ एक जद्दोजहद वहाँ पर चल रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए जिस तरह से BJP का यहाँ माहौल बहुत ही एक भ्रम जैसी स्थिति यहाँ पर हो गई है, वो कांग्रेस को बहुत अपने लिए मुफीद दिख रही होगी। लेकिन फिलहाल जो कार्यकर्ताओं में जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की हताशा है कि उनके मुख्यमंत्री पिछले 2 दिन से दिल्ली में हैं और कोई शेड्यूल नहीं है, कोई मीटिंग नहीं हो रही है, तो उसको लेकर के अजीबोगरीब हालात यहाँ पर पैदा हो गए हैं। अब यहाँ पर केवल और केवल इस बात की प्रतीक्षा हो रही है कि कल मुख्यमंत्री लौटते हैं तो लौटने के बाद उनका पहला कार्यक्रम क्या होगा। वो देहरादून लौटने के बाद सचिवालय जाएंगे या जिस तरह से 2 दिन से दिल्ली में अपने घर के अंदर हैं यहाँ पर सचिवालय आएंगे या अपने घर जाएंगे, उनका अगला कदम क्या होगा, और भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, आखिर ये कौन सी रणनीति है जो भाजपा के कार्यकर्ताओं को ही पसोपेश में डाल रही है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं और एक इंतजार हो रहा है कि दिल्ली आखिर क्या करने वाला है। जी बिल्कुल।